कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। इसके साथ ही कर्नाटक में सीएम के दावेदारी को लेकर भी उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है। इसके साथ ही खड़गे ने डबल इंजन की सरकार को करप्शन वाली सरकार बताया और क्या कुछ कहा है उन्होंने, रिपोर्ट में देखें। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों के लिए कर्नाटक बेहद जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी जमकर रैलियां कर रही हैं। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कर्नाटक की जनता से अपील की कि 40% कमीशन वाली सरकार का सफाया करने में कांग्रेस की मदद करे। खड़गे ने कहा, डबल इंजन की सरकार कोई योजना नहीं लाई बल्कि पुरानी योजनाओं को रंग लगाकर अपनी बता रही है। अगर इस भाजपा सरकार को नहीं हटाया गया तो विकास नहीं होगा। कर्नाटक में 3-3 सोने की खदानें हैं, इन्हें बीजेपी के हाथ में ना दें। 40% कमीशन वाली सरकार को हटाएं और अपना समर्थन कांग्रेस को दें। लोग इस सरकार से अब नाराज हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि कर्नाटक में सरकार बनने पर खड़गे प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। इसे लेकर खड़गे ने कहा, मुझे सीएम पद की कोई लालसा नहीं है, हमें सीएम पद की नहीं बल्कि प्रदेश की चिंता है। पार्टी को बहुमत मिलने पर विधायक सीएम पर फैसला करेंगे, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी की पहली प्राथमिकता कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।